नमस्कार राधे राधे दोस्तों, ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार इन चीज़ों को देखने से मिल जाता है पुण्य, घर पर रहेगी माँ लक्ष्मी का वास। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारियां समय से आप तक मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से एक माना जाता है। इस पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु तक के बाद तक की सभी नीतियों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो न केवल आपके पुण्य और पाप का निर्धारण करते हैं, बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि तक के बारे में बताते हैं। गरुड़ पुराण में बताई गई बातों से इंसान के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे तरीके और कामों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसको यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है तो उसका पूरा जीवन सुखमय व्यतीत होता है और साथ ही उस व्यक्ति को पुण्य की भी प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें देखने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें देखने से ही हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो जो सबसे पहली है वह है गाय। गाय को हिंदू धर्म में माँ के समान दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि गाय का दूध मनुष्य के लिए अमृत के जैसा होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक गाय के दूध को देख लेने मात्र से ही व्यक्ति को अनेकों पूजा पाठ के समान पुण्य प्राप्त होता है। दूसरा है गौमूत्र। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि गौमूत्र को मां गंगा का वास होता है। इसका इस्तेमाल औषधीय रूप से भी किया जाता है। रोजाना गौमूत्र का सेवन करने से हर एक बीमारी कोसों दूर रहती है। लेकिन वहीं गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इसे देखने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है गोबर। जी हाँ दोस्तों, गाय के गोबर को काफ़ी शुद्ध माना जाता है। किसी पूजा अर्चना या मांगलिक कार्यों में भी गाय के गोबर का प्रयोग करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार गाय के गोबर देख लेने से मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अगली जो वस्तु है वह है गाय का दूध। जी हाँ दोस्तों, गाय का दूध भी आपको कई रोगों से छुटकारा दिला सकता है। गाय के दूध को अमृत के समान माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति गाय के दूध को देख लेता है तो उसे जरूर शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगला है गौशाला। हिंदू धर्म में गौशाला बनवाना और गायों की सेवा करना बेहद शुभ माना गया है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि गौशाला बनवा कर गाय की सेवा करना तो पुण्य का काम है ही, लेकिन यदि कोई व्यक्ति गौशाला को देख ही लेता है तो वह भी उसके लिए बहुत शुभ होता है। अगली जो महत्वपूर्ण चीज है वह है पकी हुई फसल। प्राचीन काल से ही पूरी मानव जनजाति किसानों के द्वारा उगाए गए अन्न पर ही निर्भर है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि यदि कोई व्यक्ति खेतों में लहलहाती हुई पकी फसल को देखता है तो ऐसे व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही दिमाग स्थिर और मन सुकून से भर जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण वस्तु है वह है गाय के गोखुर। गाय के पैरों की तीर्थ के समान माना गया है। अगर किसी काम के लिए जाते समय गाय के पैरों को छुए और दर्शन करें तो आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। माना जाता है कि गाय के पैरों के दर्शन करना तीर्थ करने के समान होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि गरुड़ पुराण के अनुसार वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिसे देखने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी? अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।